हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मंथली करंट अफेयर्स। तो आज आपकी मंथली करंट अफेयर्स की ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम मई महीने के जो भी मंथली करंट अफेयर्स हैं उन्हें कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमारे टॉपिक्स होंगे इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स न्यूज़। तो इस वीडियो में पूरे महीने की जो भी आपकी इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, जो भी स्पोर्ट्स न्यूज़ हैं, उसे अब आज की हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो कंप्लीट इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम से। तो एक एक करके हम मंथली करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम टॉपिक वाइज वीडियोस पे मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ से। साथ ही में देखिए, आप भी अपने आंसर्स को लगा सकते हैं, इससे आपका भी अच्छे से रिविज़न हो जाएगा। एक तरीके से आपके पुराने करंट अफेयर्स यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड डैश वर हेल्ड स्टाफ टॉक्स टू बूस्ट कोऑपरेशन विद द टू एंटिटीज़। तो दोनों संस्थाओं के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए भारत की सेना और कौन सा देश है जिसके बीच में ये स्टाफ वार्ता हुई है? तो सही आंसर है यहाँ पे फ्रांस। तो कौन कौन सी आर्मीज़ हैं, इंडिया और फ्रांस की आर्मीज़ के बीच में ये बात हुई है। अब यहाँ पे देखो किसके ऊपर फोकस किया गया है, मिलिट्री ट्रेनिंग, मिलिट्री एजुकेशन, जॉइंट एक्सरसाइज, डिफेंस कोऑपरेशन। तो इन सारों से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर पूरा फोकस किया गया था इस बात में। और ये दोनों सेनाओं के बीच के कौन से नंबर की टॉक हुई है, 8th राउंड हुआ है स्टाफ टॉक का। तो आपको सिंपली ध्यान रखना है कौन सी कंट्री है। तो राइट आंसर है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, द यूएस हैज़ अगेन प्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज दैट मस्ट बी मॉनिटर्ड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड इशूज़। तो अमेरिका ने फिर से किन देशों को उन देशों की सूची में रखा है जिन पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड जो इशूज़ हैं उनकी निगरानी रखी जानी है। तो इस लिस्ट में अमेरिका ने रखा है किसे किसे, चाइना और रशिया को इस लिस्ट में रखा है। तो 2021 स्पेशल 301 नाम से रिपोर्ट रही, जिसके अकॉर्डिंग जो है रशिया और चाइना को इस लिस्ट में रखा हुआ है और भारत को जो है वो इसमें प्रायोरिटी वॉच लिस्ट की सूची में रखा गया है। तो इंडिया को भी ध्यान रखिएगा कौन सी लिस्ट में है, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में है। इस लिस्ट में एटलीस्ट 21 कंट्रीज़ को रखा गया और किसके द्वारा ये लिस्ट बनाई गई है, यूएस ने बनाई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए, द सिटी ऑफ बर्ल मार्क साइट अ लैंडस्केप गार्डन इन विच सिटी हैज़ बीन एडेड टू यूनेस्कोस लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये जो साइट है ना, जो कि एक लैंडस्केप गार्डन है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में अभी शामिल किया गया। और ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ है, ये है रियो डी जेनेरियो में। तो आपको इसकी लोकेशन ध्यान रखनी है। इस गार्डन में 3500 से ज़्यादा प्लांट की स्पीशीज़ हैं और इनको कंसीडर किया गया, एक प्रयोगशाला इसको माना जाता है। जो साइट है जिसको, उसको बर्ल मार्क्स के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो कि एक ब्राज़ीलियन लैंडस्केप आर्किटेक्ट हैं। काफ़ी सारे उन्होंने वर्ल्ड फेमस पार्क और गार्डन्स को डिज़ाइन किया, उन्हीं के नाम पर जो है इस जगह का नाम रखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड डैश साइन अ ग्रीन एनर्जी पैक्ट इन बर्लिन एज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स क्लाइमेट एक्शन। तो भाई क्लाइमेट एक्शन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम लिया है जिसके लिए मोदी जी ने, और यहाँ पे दूसरे हमें मिनिस्टर का नाम बताना है जिन्होंने ग्रीन एनर्जी पैक्ट साइन किया बर्लिन में। तो राइट आंसर हो जाएगा ओलाफ स्कोल्स, ये जर्मनी के चांसलर हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इनके बीच में ये पैक्ट साइन हुआ है, ग्रीन सस्टेनेबल एनर्जी पार्टनरशिप इसको कहा गया है। और इस फैक्ट के तहत एक ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसर्चर्स फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हैव फाउंड द लैंडस्केप ऑन द सरफेस ऑफ डैश। तो किसके सरफेस पे जो है अभी हाल ही में जो है लैंडस्केप दिखे हैं, मतलब किसके सरफेस पे? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा टाइटन। टाइटन जो है, देखिए, ये सैटर्न का सबसे बड़ा मून है। सैटर्न यानी इसको हिंदी में कहते हैं शनि। तो शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा मून है उसका नाम है टाइटन। तो रिसर्चर्स की टीम ने अभी इसके सरफेस पे लैंडस्केप के प्रेजेंस देखी, जो कि किससे बने थे, सैंड साइकिल के वजह से बने थे, जो यहाँ पे सीजन में जो रेत की साइकिल बनती है उसकी वजह से इसके सरफेस पे लैंडस्केप बने थे। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैव लॉन्च्ड अ सीक्रेट मिलिट्री स्पेसक्राफ्ट इनटू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो कौन से देश ने, देखिए, अभी हाल ही में एक सीक्रेट, एक गुप्त सैन्य अंतरिक्ष यान इसे अंतरिक्ष में लॉन्च किया है।
तो देखो ये जो अंतरिक्ष यान है ना, इन्हें कौन से कंट्री ने लॉन्च किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रशिया ने जो है वो इन्हें लॉन्च किया है। और इसे कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया, अंगारा 1.2 रॉकेट से इसे यूज़ किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोड्रिगो चाव्स वॉज टेक स्वॉन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो अभी रिसेंटली इन्होंने कौन से देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, सही आंसर हमारा हो जाएगा कोस्टा रिका इज द राइट आंसर। तो आपको उल्टा भी पूछ सकते हैं कि कोस्टा रिका के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम क्या है, उनका नेम है रोड्रिगो चाव्स। तो रोड्रिगो चाव्स जो कोस्टा रिका के नए प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने यहाँ पे प्रॉमिस किया है कि भाई ये करप्शन टैकल या आप कह लीजिए कंट्री की इकोनॉमी को फिर से रिबिल्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यून सुक योल वॉज स्वॉन इन एज प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो यहाँ पे आप इनका नाम ध्यान रखिएगा, नाम क्या है यून सुक योल, इन्होंने अभी किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। तो ये फॉर्मर प्रोसिक्यूटर है जिन्होंने यहाँ का इलेक्शन जीता, और बस सिंपली आपको इतना ध्यान रखना है। इसके बाद है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज, अभी इसे कौन से देश में खोला गया है। तो ये सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज है जिसे अभी खोला गया है, कहाँ पे, वियतनाम में। तो इसे वियतनाम बैक लॉन्ग पेडेस्ट्रियन ब्रिज का नाम दिया गया है, जो कि 632 मीटर लंबा है, और जो यहाँ का ह्यूज जंगल है ना उसके ऊपर ये 150 मीटर की पोजीशन पे लोकेटेड है। इसको वाइट ड्रैगन, मतलब जो बैक लॉन्ग पेडेस्ट्रियन ब्रिज है ना, इसका मतलब होता है वाइट ड्रैगन, वियतनामीज लैंग्वेज में इसको वाइट ड्रैगन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द जॉइंट कमीशन मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो अभी कौन कौन से इंडिया और कौन से देश के बीच में जॉइंट कमीशन की मीटिंग हुई, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ओमान देश के बीच में हुई है। और इस मीटिंग में जो भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है उनका नाम है पीयूष गोयल, जो कि कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, और उनके जो पार्टनर रहे वो आप उनका नाम ध्यान रखिएगा, सुल्तान ऑफ ओमान, जिनका नाम है क्वेस बिन मोहम्मद अल यूसुफ। और ये इनकी जो जॉइंट कमीशन मीटिंग है, ये इसका कौन सा एडिशन हुआ था, तो ये इसका 10वां एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री जॉइन नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप। तो इसमें शामिल होने वाला जो पहला एशियन देश बना है उसका नाम क्या है, साउथ कोरिया उसका नाम है। तो साउथ कोरिया के नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने ज्वाइन किया है नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। याद रखेंगे नाटो की, ध्यान रखिएगा कि नाटो में जो मेंबर स्टेट्स हैं ना वो हैं टोटल 30 मेंबर स्टेट हैं, जिसमें से 28 यूरोपियन स्टेट्स हैं। और नाटो का जो हेडक्वार्टर है ये भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं, कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो हाल ही में देखो ये कौन से देश के राष्ट्रपति के रूप में जो है वो इन्हें नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा यूएई के, अभी हाल ही में देखे राष्ट्रपति बने हैं, और इन्होंने रिप्लेस किया है शेख खलीफा बिन जायद अल नहान को, जिनका मई में ही जो है वो निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, हसन शेख मोहम्मद हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। देखिए मई के महीने में ना काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं नए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का, तो इसलिए आपको ये नाम सारे ही ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे नाम है किसका, हसन शेख मोहम्मद का, ये अभी हाल ही में राष्ट्रपति बनी है सोमालिया देश के। ये पहले भी देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट रहे हैं, 2012 से 2017 तक रहे यहाँ के प्रेसिडेंट। सोमालिया की कैपिटल मोगादिशु और करेंसी है सोमाली शिलिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अराइव्ड ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ बुद्ध जयंती। तो बुद्ध जयंती के अवसर पर मोदी जी किस देश में पहुंचे थे, तो मोदी जी कहां पे गए थे, ये नेपाल में गए थे। तो इन्होंने नेपाल में लुम्बिनी विजिट किया, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेर बहादुर दुबे, उनकी इनविटेशन पर ये वहाँ पे गए थे। ही ऑफर्ड प्रेयर्स एट दी माया देवी टेम्पल ऑन दी ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ बुद्ध जयंती। तो आपको ध्यान रखना है कि बुद्ध जयंती पे के अवसर पर ये वहाँ पे गए थे। नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू, नेपालीज रूपी यहाँ पे करेंसी है, विद्या देवी भंडारी है यहाँ की प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड
फ्रांस न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए फ्रांस में जो है वो अभी नई प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, उनका नाम क्या है, एलिजाबेथ बॉर्न। या फिर क्वेश्चन अगर पूछे कि एलिजाबेथ बॉर्न किस देश की प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस देश की। ये फ्रांस देश की सेकंड वूमेन है, मतलब फ्रांस में सेकंड वूमेन यहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी है, और इससे पहले ये फ्रांस के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रही हैं 2018 में। इससे पहले जीन कैस्टेक्स थे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ओवरटेक्स विच कंट्री टू बिकेम फोर्थ लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट। तो कौन से देश को पीछे छोड़ के अब इंडिया जो है चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है, तो कंट्री कौन सी है यहाँ पे, जर्मनी है राइट आंसर। ये जो रिपोर्ट है इसे रिलीज़ किया ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डी कंस्ट्रक्शन डी ऑटोमोबाइल्स ने। पहले नंबर पे है चाइना, दूसरे पे है यूएस, तीसरे पे है जापान, और चौथे नंबर पे अब कौन सा देश आ गया है, इंडिया आ गया है। और इंडिया जो है 2025 तक तीसरा लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट बन जाएगा, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी वर्ल्ड लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज हैज़ ओपन्ड टू ट्रैवलर्स इन विच कंट्री। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है, और ये कहाँ कौन से देश में खोला गया है, तो चेज़ रिपब्लिक में जो है वो इसे खोला गया है। इसे नाम दिया गया है स्काई ब्रिज 721। नाम भी ध्यान रखिएगा, नाम से भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री होस्टेड द मीटिंग ऑफ ब्रिक्स मिनिस्टर्स और फॉरेन अफेयर्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस इन मे 2022। तो देखिए अभी ब्रिक्स देशों के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो है उनकी मीटिंग हुई, और इस मीटिंग की मेजबानी यानी इसको होस्ट किसने किया, तो इसे होस्ट किसने किया है, चाइना देश ने इसे होस्ट किया है। भारत की तरफ से इस मीटिंग को जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने अटेंड किया है। और याद रखिएगा इसकी थीम क्या रही, फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे अगर हम ब्रिक्स की बात करें, तो देखिए ब्रिक्स में ना इसके नाम से ही आप समझ जाएंगे, पांच कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। लेकिन साउथ अफ्रीका इसमें बाद में ऐड हुआ था, कब ऐड हुआ था, 2010 में, ठीक है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि साउथ अफ्रीका इसमें कब ऐड हुआ था, 2010 में ऐड हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द क्वैड लीडर्स समिट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन मे 2022। तो जो क्वैड लीडर्स का जो समिट है ये कौन से देश में आयोजित हुआ है, तो इसका आयोजन जो किया गया है जापान में किया गया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इन्विटेशन दिया गया था, और कौन है जापान के प्राइम मिनिस्टर, फुमियो किशिदा। और इसके अलावा जो क्वैड कंट्रीज़ है देखिए उसमें यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, और इसमें भारत है, ठीक है। तो अभी तो आपने आपको ये आपको पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर भी अब चेंज हो गए हैं, बट उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ही थे, उन्होंने इस मीटिंग को, इस समिट को अटेंड किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन गवर्नमेंट हैज साइन एन MOU ऑन एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र विद डैश। तो एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र पर एक समझौता हुआ, और ये समझौता भारत और जॉर्डन देश के बीच में किया गया। तो डॉक्टर मनसुख मांडविया जो हैं, जो कि केमिकल फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री इनके पास में है, उन्होंने यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट टर्म सप्लाई जो है फर्टिलाइज़र्स की, इसकी एक तरीके से इसके बारे में बताया उन्होंने। और अगर हम फर्टिलाइज़र की ही बात करें, तो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंट्री है फर्टिलाइज़र की, वो कौन सी है, रशिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जॉस रामोस होर्टा हैज़ बीन स्वॉर्न्ड एज द फिफ्थ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो इन्होंने कौन से देश के अभी पाँचवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। सही आंसर है हमारा ईस्ट तिमोर के अभी ये पांचवे राष्ट्रपति बनी हैं। इससे पहले भी इन्होंने सर्व किया है एज अ प्रेसिडेंट 2007 से 2018 तक, और ये प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं कहाँ के, ईस्ट तिमोर के। नेक्स्ट है, द साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव प्रपोज्ड अ स्पेस प्रोजेक्ट नेम्ड क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे। तो इसका प्रस्ताव जो रखा है वो चाइना देश के साइंटिस्ट के द्वारा इसका प्रस्ताव रखा गया है। अब इस के थ्रू क्या होगा, देखो जो सर्वे होगा ना, इसमें सोलर सिस्टम से बाहर जो प्लैनेट्स हैं, अर्थ जैसे प्लैनेट हैं, उन सभी प्लैनेट्स को यहाँ पे खोजा जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो भाई देखिए, ऑस्ट्रेलिया में स्कॉट मॉरिसन थे अभी तक के प्राइम मिनिस्टर, अब यहाँ पे जो नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं उनका नाम है एंथनी एल्बनीज। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया के 31st नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और किसकी जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं, स्कॉट मॉरिसन की जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्थ एडिशन ऑफ बायलेटरल एक्सरसाइज कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी कॉर्पेट वॉज हेल्ड बिटवीन इंडियन नेवी एंड डैश। तो जो चौथा एडिशन हुआ है अभी कॉर्पेट का, ये इंडिया की नेवी और बांग्लादेश की नेवी के बीच में इसका आयोजन किया गया है। नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में इसको शुरू किया गया। इसमें इंडिया की तरफ से INS कोरा और INS सुमेधा ने पार्टिसिपेट किया। जो लास्ट एडिशन हुआ था कॉर्पेट का, ये कब हुआ था, अक्टूबर 2020 में। इसके बाद देखिए, कौन से ऐसी पहली कंट्री बनी है जिसने मनी पॉक्स के पेशेंट के लिए 21 डे का क्वारंटीन कंपलसरी करा। यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए 4 केसेस यहाँ पर आए मनी पॉक्स के, जिसके बाद भाई इसे थोड़ा सा सीरियस लिया गया और उसके बाद 21 डे का क्वारंटीन कंपलसरी किया गया है। कहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम में। तो देखिए, ये इतना डेडली तो नहीं है, बट फिर भी पहले से अगर किसी चीज़ का ध्यान रखा जाए तो वो आगे जाके और भी अच्छा ही होता है, इसलिए यहाँ पर ये फैसला लिया गया है यहाँ की सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच एडिशन ऑफ इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी बायलेटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर कमेंस्ड एट पोर्ट मोंगला बांग्लादेश। तो कौन सा एडिशन हुआ है यहाँ पे हमें ये बताना है, और इसमें आपको ध्यान रखना है एक्सरसाइज का नाम क्या है, बोंगो सागर, कौन कौन से देश के बीच में, इंडिया की नेवी और बांग्लादेश की नेवी के बीच में, और एडिशन आपको याद रखना है ये तीसरा एडिशन है इसका, और इसका जो सी फेज है दो फेजेस में शुरू होगा, फेज एक इसका हार्बर फेज और इसका सी फेज है, और इसमें इंडिया का जो शिप कोरा है और सुमेधा है उन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा, विच ऑफ दीज ट्रेन्स इंडिया बांग्लादेश विल बिगिन फ्रॉम 1 जून 2022। तो यहाँ पे हमें बताना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में इनमें से कौन सी ट्रेन है जो 1 जून को शुरू हो जाएगी। तो ट्रेन का नाम है मिताली एक्सप्रेस। ठीक है, जो ट्रेन है वो देखिए जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच में चलेगी। एक हफ्ते में 2 दिन चलेगी, संडे और वेडनेसडे को। तो ये थी हमारी कंप्लीट इंटरनेशनल न्यूज़। अब हम बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ की। पहला क्वेश्चन है देखिए हमारा, इन एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप्स हु वॉन हर सेकंड एशियन ब्रॉन्ज मेडल इन सेमीफाइनल इन मनीला। तो मनीला में जो सेमीफाइनल हुआ एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का, उसमें किसने अपना सेकंड एशियन ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पीवी सिंधु ने जो है वो इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आपको ये भी याद रखना है, देखो पीवी सिंधु का नाम भी और मेडल का नाम भी, ओके। पीवी सिंधु जो है ये 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट हैं और फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन भी हैं। ये उनका सेकंड मेडल था इस टूर्नामेंट में। इससे पहले शी हैज़ क्लेम्ड अ ब्रॉन्ज मेडल इन 2014 गिमचियोन एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वेट लिफ्टिंग हु स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये चैंपियनशिप ग्रीस में जगह है, हेरिक्लियन वहाँ पे हुई, और इसमें हिस्ट्री क्रिएट करिए भाई, पहली बार गोल्ड मेडल जीता है किसने, सरताज सिंह तिवाना। आपको सिर्फ इनका नाम ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे जो आंसर है ना वो सरताज सिंह तिवाना नहीं है, वो है हर्षादा शरद गरुण। ठीक है, उन्होंने कोई और रिकॉर्ड बनाया था, तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि किसने गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है, हर्षादा शरद गरुण ने गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, इन मेघालय विच एडिशन ऑफ मेघालय गेम्स बिगेन एट वेरियस स्पोर्ट्स फैसिलिटी इन शिलोंग। तो अभी हाल ही में देखिए शिलोंग में विभिन्न खेल सुविधाओं में शुरू हुआ है, अब हमें यहाँ पे बताना है उसका एडिशन कौन सा है। तो ये इसका है 4th एडिशन है। अराउंड इसमें 2500 एथलीट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट इन्होंने किया। 7 मई को जो हैं वो ये गेम जो हैं वो कंक्लूड हुए थे, और इसमें गोल्फ इवेंट भी है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग्स हैज़ बिकम द 4th फास्टेस्ट एथलीट इन 200 मीटर। भाई 200 मीटर में 4th सबसे तेज एथलीट कौन बने हैं, इनका नेम है आर्यन नाइटन।
तो देखिए एरियन नाइटन इनका टाइमिंग जो रहा है ना वो 19.9 सेकेंड था और उन्होंने उसी सेम कंपटीशन में 19.84 सेकंड के साथ में अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया और ये चौथे प्लेयर बने हैं फास्टेस्ट में। इससे पहले जो रिकॉर्ड है वो उसेन बोल्ट के नाम है, सेकंड पे है यूहान ब्लेक और थर्ड पे हैं अमेरिका के माइकल जॉनसन और एरियन नाइटन बन गए हैं चौथे प्लेयर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिफ्टेड द संतोष ट्रॉफी फॉर द सेवेंथ टाइम, भाई सातवीं बार जो है वो संतोष ट्रॉफी किसने जीती है। इसमें उन्होंने बंगाल को डिफीट किया पेनल्टी शूटआउट में। आंसर हो जाएगा यहाँ पे केरल ने जो है वो इस ट्रॉफी को जीता है। और इससे पहले जो देखिए जो केरल के कैप्टन हैं जीजो जोसेफ वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे, तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 12th हॉकी इंडिया सब जूनियर मैन नेशनल चैम्पियनशिप 2022 बिगेन इन विच स्टेट, तो ये जो चैम्पियनशिप है कौन सी राज्य में शुरू हुई है, तो इसका जो ये जो शुरू हुई है ये गोवा स्टेट में शुरू हुई है। इसमें टोटल 29 टीम्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और पार्टिसिपेटिंग डिवाइड्स को 8 पूल्स में डिवाइड किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ अचीव्ड अ करियर बेस्ट रैंकिंग ऑफ 38 इन वुमेन सिंगल इन द लेटेस्ट ITTF टेबल टेनिस वर्ल्ड रैंकिंग, तो उन्होंने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल करी है 38 नंबर की और उनका नाम क्या है, उनका नाम है मनिका बत्रा। अगला क्वेश्चन है विच टीम क्लिंच्ड अ रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 35th स्पैनिश लीग टाइटल, तो हमें बताना है कि जो 35th स्पैनिश लीग टाइटल है ये कौन सी टीम ने जीता है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा रियल मैड्रिड ने टाइटल जीता है। देखिए और रियल मैड्रिड ने इसमें डिफीट किसे किया है, तो एस्पेन्योल को 4-0 से इन्होंने इसमें डिफीट किया है, तो आपको इनका याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ बीन प्रोविजनली सस्पेंडेड बाय द एथलेटिक्स इंटीग्रेटेड यूनिट आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर अ बैन स्टेरॉइड, तो अभी हाल ही में देखिए कौन से एथलीट्स हैं उनको अभी प्रोविजनली सस्पेंड किया मतलब अस्थायी रूप से ही उन्होंने लंबित किया गया है और उनका नाम क्या है, कमलप्रीत कौर इनका नाम है। ये इंडिया की डिस्कस थ्रोअर है कमलप्रीत, उनको भी प्रोविजनली सस्पेंड किया है। ये पॉजिटिव इनका टेस्ट आया है, जो स्टेरॉइड को बैन किया जाता है उसमें इनका जो टेस्ट अभी हुआ था उसमें ये पॉजिटिव नज़र आई, मतलब पॉजिटिव पाई गई। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग जिन्होंने सातवीं बार वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप जीती है, आंसर हो जाएगा रोनी ओ सुलिवन। रोनी ओ सुलिवन ने इसमें डिफीट किया जुड ट्रम्प को फाइनल में और सातवीं बार उन्होंने ये स्नूकर का जो चैम्पियनशिप है वो इन्होंने जीती है। अगला क्वेश्चन है कौन से देश की क्रिकेट टीम है जो कि वर्ल्ड की नंबर वन रैंक पे आ गई है T20 में, तो T20 में जो नंबर वन पे आ गई है वो कौन सी टीम है, वो है इंडिया। और इसी में ध्यान रखिएगा जो वर्ल्ड ODI अगर हम ODI में बात करें यानी वन डे जो गेम्स होते हैं उनमें बात करते हैं तो न्यूजीलैंड की टीम जो है वो उसमें पहले नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एशियन गेम्स 2022 ड्यू टू हेल्ड इन विच कंट्री हैज़ बीन पोस्टपोन टू 2023 ड्यू टू राइजिंग COVID-19 केसेस इन द कंट्री, तो देखिए जो एशियन गेम्स थे ये 2022 में किस देश में होने वाले थे लेकिन अब कोविड के कारण ये 2023 में होंगे, तो ये कहाँ पे होने वाले थे, ये चाइना में होने वाले थे, अब इनको पोस्टपोन कर दिया है तो 2023 में होंगे। कौन सा एडिशन है ये, इसका 19th एडिशन है। अगला क्वेश्चन है हु क्लिंच्ड द मैड्रिड ओपन टाइटल बीटिंग डिफेंडिंग चैंपियन अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, तो सिंपली ध्यान रखेंगे जो मैड्रिड ओपन टाइटल है ये किसने जीता है, ये जीता है कार्लोस अल्काराज ने, तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है इन विच कंट्री डिड द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप बिगिन इन मे 2022, तो कौन से देश में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप शुरू हुआ, तो ये जो चैम्पियनशिप है ये जर्मनी में शुरू हुई है। मनु भाकर और सौरभ चौधरी जो हैं वो इंडियन कॉन्टिजेंट को इस इवेंट में उन्होंने लीड किया। अगला क्वेश्चन है द इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 3 और 4 विच वर शेड्यूल टू बी हेल्ड इन मदुरई नाउ हैज़ बीन शिफ्टेड टू, भाई पहले ये मदुरई में होने वाले थे, शेड्यूल पूरा कर दिया गया था लेकिन अब ये शिफ्ट होके कहाँ पे होंगे, तो अब इन्हें भुवनेश्वर में शेड्यूल या स्थानांतरित कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु वॉन द फर्स्ट एवर मियामी ग्रैंड प्रिक्स आफ्टर डिफीटिंग चार्ल्स लेक्लर्क, तो पहली बार हमें बताना है कि मियामी जो ग्रैंड प्रिक्स है ये किसने जीती है, आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टैपेन ने।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ और मैंने यहाँ पे 2022 में जो ग्रैंड प्रिक्स उनको रखा है, जैसे देखिए बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, ये चार्ल्स लेक्लर्क ने जीती। सऊदी अरेबियन जो ग्रैंड प्रिक्स है, ये मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती है। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो है, ये भी चार्ल्स लेक्लर्क ने जीती है। एमिलिया रोमाग्ना जो ग्रैंड प्रिक्स हुई, ये किसने जीती? मैक्स वर्स्टैपेन ने। और अभी अभी जो मियामी ग्रैंड प्रिक्स हुई है, वो भी किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपेन ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन दी सनवे फॉर मेंट्रा ओपन 2022 चेस टूर्नामेंट? तो ये टूर्नामेंट जीता है डी गुकेश ने। क्वेश्चन है देखिए, साइप्रस इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीटिंग हु स्मैश्ड द नेशनल रिकॉर्ड टू क्लिंच अ गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 100 मीटर हर्डल्स इन लिमोसिल। तो 100 मीटर जो बाधा दौड़ है, उसमें स्वर्ण पदक जीतने का जो नेशनल रिकॉर्ड है, ये किसने ब्रेक किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ज्योति यारा जी ने ये रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। आप देख सकते हैं शी क्लॉक्ड 13.23 सेकेंड, तो 23 सेकेंड का जो है वो इन्होंने जो रिकॉर्ड था वो ब्रेक किया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलेटिक्स? तो देखिए फोर्ब्स की जो लिस्ट आई है हाईएस्ट पेड एथलीट्स की, उसमें हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले जो एथलीट्स हैं, उनमें टॉप की पोजीशन पर कौन से एथलीट हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लियोनल मेसी इज़ द राइट आंसर। तो पहले नंबर पे है लियोनल मेसी, सेकंड पे है लेब्रॉन जेम्स, फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार और देन है स्टीफन करी। अगला क्वेश्चन है, हु विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज क्राउंड द इटालियन कप चैम्पियनशिप? तो इटालियन कप चैम्पियनशिप का जो टाइटल जीता है, वो किसने जीता है? इंटर मिलान ने जीता है, और ये उनका 8th नंबर का इंटर इटालियन कप टाइटल था। नेक्स्ट है, कौन सी टीम ने थॉमस कप का टाइटल जीता है पहली बार? देखिए जो थॉमस कप होती है ना, ये बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, किसका? मेंस का। और पहली बार ये टाइटल किसने जीता है? इंडिया की टीम ने जीता है। फाइनल में इंडिया की टीम ने इंडोनेशिया को इसमें डिफीट किया। कहाँ पे हुआ था फाइनल? थाईलैंड के बैंकॉक में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी साउथ ईस्ट एशियन गेम्स इन 2027? 2027 में जो साउथ ईस्ट एशियन गेम्स होंगे, उसे होस्ट कौन सा देश करेगा? तो आपको याद रखना है मलेशिया करेगा। साउथ ईस्ट एशियन गेम्स जो होते हैं, ये हर 2 साल में होते हैं, मतलब ऑड ईयर्स में होते हैं, जैसे 2027 में है, उसके बाद इसका जो एडिशन है वो 2029 में होगा। और इसको होस्ट कौन सा देश करेगा? ध्यान रखेंगे, इसको सिंगापुर होस्ट करेगा। हेडक्वार्टर है इसका बैंकॉक में। पहला जो इवेंट हुआ था 1959 में बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉन द मेन सिंगल टेनिस टाइटल एट इटालियन ओपन 2022? तो देखिए जो इटालियन ओपन टाइटल हुआ है, उसमें हमें बताना है कि मेन सिंगल का जो टाइटल है, ये किसने जीता है? तो राइट आंसर है यहाँ पे नोवाक जोकोविच ने टाइटल जीता है। इसके बाद है देखिए, कौन सी कंट्री ने जो है ये बताना है कि उबेर कप जीता है 2022? तो उबेर कप जो होती है, ये वुमेन्स की बैडमिंटन चैम्पियनशिप होती है, और ये इस बार जीती है साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया ने फाइनल में इसमें चाइना को डिफीट किया है। और थॉमस कप ध्यान रखिएगा इंडिया की टीम ने जीता। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज़ वॉन द 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैम्पियनशिप 2022? तो ये चैम्पियनशिप कौन सी स्टेट ने जीती है? तो सही आंसर है यहाँ पे उड़ीसा ने ये चैम्पियनशिप जीती है। और जो फाइनल मैच हुआ था, वो कर्नाटक और उड़ीसा के बीच में हुआ, तो उड़ीसा ने कर्नाटक को इसमें डिफीट किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉन द गोल्ड एट वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप? तो महिलाओं की जो विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप थी, उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? तो सही आंसर है हमारा निखत जरीन ने जो है वो इसमें गोल्ड मेडल जीता है, और ये फॉर्मर जूनियर यूथ वर्ल्ड चैम्पियन भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली बार जो प्रोफेशनल इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ है बांग्लादेश में, इसका आयोजन किस शहर में किया गया था? सही आंसर है ढाका में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ ब्रोकन द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन वुमेन्स 400 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग एट द ऑस्ट्रेलियन स्विमिंग चैम्पियनशिप्स? तो 400 मीटर की जो वुमेन्स की फ्री स्टाइल स्विमिंग हुई, इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी हाल ही में किसने ब्रेक किया है? तो इनका नाम है अरियाना टिटमस, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया। टिटमस ने 3 मिनट 56.4 सेकेंड में 2016 के ओलंपिक में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था कैटी
लेड की, उनका इन्होंने जो है वो इसमें रिकॉर्ड ब्रेक किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन क्राउंड प्रीमियर लीग चैम्पियनशिप फॉर आफ्टर 3-2 विन अगेंस्ट एस्टन विला। तो इसका जो आपके लो टाइटन है, टाइटल है प्रीमियर लीग चैम्पियनशिप का, ये कौन सी टीम ने जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने जीता है और ये उनका 5वें सीजन का 4th टाइटल है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉन 36th रेग्जाविक ओपन 2022। तो ये चेस टूर्नामेंट होता है और ये जीता किसने है? रमेश बाबू प्रज्ञा नंद ने ये टाइटल जीता है। अगला क्वेश्चन है, स्पैनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो इस बार जो स्पैनिश ग्रैंड प्रिक्स है ये किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपेन ने। मैक्स वर्स्टैपेन जो हैं ये रेड बुल के रेसर हैं और इनकी अगर कंट्री आपसे पूछी जाए तो आपको ध्यान रखनी है ये नीदरलैंड देश से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आप अदर फॉर्मूला वन जो रेसिंग रेस हुई है उनके विनर्स देख सकते हैं। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीती चार्ल्स लेक्लर्क ने, सऊदी अरेबियन मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर्क ने जीती, एमिलिया रोमाग्ना मैक्स वर्स्टैपेन ने, और जो मियामी ग्रैंड प्रिक्स हुई थी पहली बार हुई और ये मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है, हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू हिट 700 फोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। तो आईपीएल के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले जो पहले खिलाड़ी बने हैं उनका नाम है शिखर धवन। तो पंजाब किंग्स के ओपनिंग बैट्समैन है शिखर धवन, इन्होंने 700 चौके आईपीएल में लगा लिए और इस बार आईपीएल का देखिए सीजन किसने जीता है? गुजरात टाइटन्स ने जीता है। इस पर आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दी है, आपने नहीं देखे तो उसको आप लोग ज़रूर चेकआउट करिए। अगला है, वुमेन्स की 100 मीटर हर्डल नेशनल रिकॉर्ड दूसरी बार, दो ही हफ्तों में इन्होंने सेकंड टाइम ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है। इनका नेम है ज्योति यारा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 12वें नंबर की जो हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन्स की नेशनल चैम्पियनशिप हो ये किसने जीती है? तो ये हरियाणा ने जीती है, इसमें आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन पैरा बैडमिंटन की टीम ने कितने मेडल्स जीते हैं फर्स्ट बहरीन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में? तो इसमें हमें बताने हैं कि टोटल कितने मेडल्स जीते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 23। तो टोटल जो मेडल जीते हैं वो 23 मेडल जीते हैं, जिसमें से 7 गोल्ड 3 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट हीरो इंडियन वुमेन्स लीग 2022। तो ये टाइटल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा गोकुलम केरला एफसी ने ये टाइटल जीता है। इस बार ये कौन सा एडिशन हुआ था? 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ क्रिकेट टूर्नामेंट वुमेन्स T20 चैलेंज 2022। तो फ्रेंड हमें बताना है कि जो अभी क्रिकेट टूर्नामेंट महिला T20 चैलेंज हुआ है ये किसने जीता है? तो आंसर यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा? सुपरनोवास। तो टाइटल किसने जीता है? ये सुपरनोवास ने टाइटल जीता है और उन्होंने वेलोसिटी को डिफीट किया 4 रन से। इसका वेन्यू रहा इंडिया और एडिशन की बात करें तो ये है इसका 4th एडिशन। अगला क्वेश्चन है, देखिए, मेंस की ओपन सर्फ कैटेगरी में इंडियन ओपन जो सर्फिंग नेशनल चैम्पियन कौन बने हैं इसमें? तो उनका नाम है रमेश बुधियाल। इसी में अगर वुमेन्स चैम्पियन की पूछें तो उनका नाम ध्यान रखेंगे शुगर बनारसे। इसके बाद देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेन्स की VL2 200 मीटर इवेंट में? तो किसने जीता है? आंसर हो जाएगा प्राची यादव। अगला क्वेश्चन है, 15 एडिशन इस बार हुआ है आईपीएल का और ये टाइटल किसने जीता है? सही आंसर है गुजरात टाइटंस ने। फाइनल में इन्होंने राजस्थान रॉयल्स को डिफीट किया 7 विकेट से। जो फाइनल मैच था ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। गुजरात टाइटंस के जो कैप्टन है हार्दिक पांडे, उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। राजस्थान रॉयल्स के जो प्लेयर हैं जॉश बटलर, इन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला है। ऑरेंज कैप मिली है इस बार किसे? जॉश बटलर को। पर्पल कैप जो मिली है वो युजवेंद्र चहल को मिली है। इस पे देखिए कंप्लीट मैंने आप लोगों को अलग से वीडियो दी है, उसमें आपको सारे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे आईपीएल से रिलेटेड। तो ये थी फ्रेंड आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने सारे महीने के इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स न्यूज़ को कवर किया है। आगे हम ऐसे ही अदर वीडियोज़ भी करेंगे मंथली करंट अफेयर्स की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।